नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। यूपी में विधानसभा के चुनावी शंखनाद से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी सियासी घमासान शुरू हो गया है। यूपी में इस बार इलेक्शन कैंपेन में बंगाल की तर्ज पर टू विंडोज पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इससे बीजेपी की टेंशन भी बढ़ चुकी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये टू विंडोज पॉलिटिक्स होती क्या है जिसका इस्तेमाल यूपी इलेक्शन में किया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पीएम मोदी की जनसभा के दिन रैली का आयोजन करते हैं। दोनों की रैली का शेड्यूल लगभग एक टाइम में ही रहता है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी की तरह रैली का आयोजन करते हैं जिससे पीएम मोदी के बयान पर तुरंत पलटवार किया जा सके। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये टू विंडोज शब्द होता क्या है। तो बता दें कि टू विंडोज शब्द का निहित अर्थ टीवी स्क्रीन से है। टीवी पर जब एक साथ लाइव के दौरान दो लोगों को हाफ हाफ स्क्रीन में दिखाया जाता है तो उसे टू विंडोज कहते हैं। पीएम मोदी की रैली के साथ अखिलेश यादव इसे स्पेस में एंट्री करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सपा रणनीतिकारों को यूपी चुनाव में मोदी मैजिक का डर सता रहा है। पार्टी इसलिए पीएम मोदी की किसी भी रैली को और स्पीच को जनता में प्रभावी नहीं बनने देना चाहती। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर यूपी का चुनाव अखिलेश यादव वर्सेस पीएम मोदी हो गया तो इसमें सीटों का नुकसान हो सकता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कब सामने आए पीएम मोदी और अखिलेश यादव। तो बता दें कि 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वो पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने इसी दिन ओम प्रकाश राजभर में गठबंधन का ऐलान कर दिया। तो वहीं 25 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेजों सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने आए थे। जिस दिन सपा सुप्रीमो ने बसपा के दो बड़े बड़े नेताओं जिसमें लालजी वर्मा व राम अंचल राजभर को पार्टी में शामिल किया। तो अगर हम बात करें 25 नवंबर की तो मोदी ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। तो वहीं अखिलेश यादव इसी दिन लखनऊ में जनवादी क्रांति पार्टी की रैली में शामिल होने पहुंचे, यहां जनसभा को संबोधित भी किया। तो अगर हम बात 7 दिसंबर की करें तो पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर में एम्स ICMR का उद्घाटन करने आए थे। अखिलेश यादव ने इसी दिन पश्चिमी यूपी के मेरठ में जयंत चौधरी के साथ भी गठबंधन रैली किया। तो कुछ इसी तरह अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति को भी अपना रहे हैं और अपनी जीत हासिल करने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।